सो हेलो गाइस, दिस इज के राजकुमार और इस वक्त मैं हूँ नील द्वीप में, जो कि अभी शहीद द्वीप से जाना जाता है, एक बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट, कोरल गार्डन रिजॉर्ट बोल के। रिसेंटली मेरा जो गेस्ट है ना यहाँ पे ठहरा हुआ था, उनका फीडबैक काफी अच्छा था, तो हम सोचा जब हम नेक्स्ट टाइम जाएगा, उनका जो प्रॉपर्टी का मालिक है और उनका जो मैनेजमेंट है, मैं उनसे बात करूंगा कि कैसा इतना अच्छा सर्विस देते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे। इनका जो रिजॉर्ट है अभी बहुत ही चर्चा पे है द्वीप में, तो आज हमारे साथ है ये होटल के जो मालिक है एमडी मिस्टर अमर जी और उनका जीएम मिस्टर राजा मुत्तू जी। तो राजा मुत्तू जी वेलकम टू द शो और अमर जी वेलकम टू द शो। तो सर इतना छोटा टाइम पे नील द्वीप में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने किया है, बताइए सर ये शुरुआत कहाँ से हुआ आपका? नहीं, ये जो उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं पकड़ा था, क्यों मैं ये प्रोजेक्ट जो है मैं 3 से 4 साल से मैं लगा पड़ा इसका पीछे। तो धीरे 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 मेरा जो भी छोटा मोटा बिजनेस है, मैं जो भी कमाता हूँ इसका इसका पीछे लगता हूँ। मैं एक्चुअली सिविल कॉन्ट्रेक्टर का भी काम करता हूँ, तो वो हिसाब में मेरे पास लेबर मिस्त्री था, डेली में थोड़ा थोड़ा करके मैं काम कराया। तो कुछ लोन लिया, मैं छोटा मोटा लोन लेता, लोन लेकर फिर उसको 6 महीना में बांध के फिर दोबारा मैं एक बड़ा लोन लिया, मॉर्गेज लोन, वो लेके मैं अभी उसको 3 साल 4 साल में कंप्लीट किया मैं। तो मेरा ख्वाहिश था जो मैं बनाऊंगा तो कुछ कॉटेज बनाऊंगा जो इस द्वीप में नहीं है। तो सर आप यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं तो आपका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, आप काफ़ी साल से जो है होटल इंडस्ट्री पे हो, तो आपका अब बताइए आप यहाँ पे आने के बाद क्या क्या चेंजेस आपने किए हैं? रिजॉर्ट तो काफ़ी प्यारा रिजॉर्ट है एक्चुअली। मैं जैसे ही यहाँ पे आया मैं देखा हाँ काफ़ी सब कुछ तो ऑलरेडी सेटअप ही है यहाँ पे, ऐसा मतलब कुछ नहीं, बट इसमें क्या है कि हमारे को तो मैनेजमेंट ऑलरेडी पता ही है कि कैसा मैनेजमेंट करना है। बस अभी क्या है खाली स्टाफिंग चल रहा है क्योंकि न्यू प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग इसको भी प्रमोट कर रहे हैं, अभी राइट नाउ वी हैव 15 रूम्स, अभी हमारे पास 15 रूम्स है, बट अभी यही क्या है ये जो ऐसा रिजॉर्ट है जो कि मतलब जेटी से भी आपको बहुत ही नज़दीक है और भरतपुर बीच से भी बहुत ही नज़दीक है, और भरतपुर बीच ऐसा बीच है जिसमें वाटर एक्टिविटीज जो कि मतलब वन ऑफ द फेमस स्पॉट बोलते हैं, मतलब फेमस बीच इन नील आइलैंड, मतलब शहीद द्वीप में जो बोला जाता है, और उससे बहुत ही नज़दीक है क्योंकि 300 मीटर ही दूर है हमारा प्रॉपर्टी। तो अभी ये जो मैनेजमेंट जो है अपने स्टाफ भी बहुत ही प्यारे स्टाफ है, हॉस्पिटैलिटीज भी अपना मतलब गेस्ट को जो सर्व कर रहे, गेस्ट का भी काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आ रहा है हमारे पास, जैसे ऑनलाइन हो जाए जो भी जितने भी एजेंट्स है उसके साथ भी अच्छा कार्य है हमारा। तो अभी मतलब स्मूथली ही चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मतलब सब कुछ एकदम मतलब कब आप सोचे कि हमको एक प्रॉपर्टी बनाना चाहिए इस तरह? जब टूरिज्म बढ़ रहा है यहाँ, तो मैं सोचा जो यहाँ पे हमारा कोई नौकरी रोजगार नहीं रहेगा तो फ्यूचर में जो टूरिज्म मेन है, तो मैं सोचा जो फ्यूचर के लिए जो आजकल जो पढ़ा लिखा नौजवान को भी नौकरी वोकरी कुछ मिलता नहीं अंडमान में, तो अपना बिजनेस जो है हमारा पास प्रॉपर्टी है, मैं क्यों सेल करूँ? मैं प्रॉपर्टी सेल नहीं करना, मतलब मैं खुद करने मांगता, मैं गवर्नमेंट से भी हेल्प, अगर हम खुद लोकल है, हम खुद करने मांगते तो गवर्नमेंट भी मुझे हेल्प करेंगे, गवर्नमेंट से मुझे हेल्प मिल जाते तो मैं क्यों बाहर का आदमी को प्रॉपर्टी को बिक्री करूँगा? हर एक आदमी जो है ज़मीन को सेल कर रहा है, बाहर का दिल्ली से आते, बॉम्बे से आते, अपना बड़ा बड़ा रिसोर्ट बनाते, लेकिन यहाँ का लोकल को कुछ नहीं मिलते। तो राजा जी आप यहाँ पे काफ़ी साल से, ऑलमोस्ट लाइक 5 ईयर्स से, तो आपने क्या क्या देखा है टूरिज्म सेक्टर पे? एक्चुअली जब मैं आया था नील आइलैंड, ओटम में इसका नाम नील आइलैंड था, अभी तो रिसेंटली ही चेंज हुआ शहीद द्वीप पे, बट क्या है जब मैं आया था वहाँ पे मतलब हार्डली 15 या 20 व्हीकल्स ही मैं जेटी पे देखा था, जो कि मतलब जो कि कार बोलते जो गेस्ट को घुमाने के लिए, बट आज नियर अबाउट बहुत ही सारा गाड़ी है अभी, मैं अनकाउंटेबल गाड़ीज है जो कि मतलब इट मीन्स गाड़ी जब इतना ज़्यादा है तो मतलब गेस्ट का फ्लो ही ज़्यादा है, तभी वो गाड़ी का बिजनेस है, ठीक है। तभी क्या है गेस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया अभी, क्या इक्वल टू कंपेयर कर रहे हैं हैवलॉक के भी इक्वल चल रहा है अभी। हैवलॉक तो मतलब माउथ स्प्रेडिंग बिजनेस है, मतलब सारे गेस्ट जाके हैवलॉक को प्रमोट कर रहे हैं, बट हैवलॉक से बहुत ही सुंदर है नील, हैवलॉक भी सुंदर है बट ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट नील उसे अच्छा काफ़ी अच्छा है, जिसके जो सी भी क्रिस्टल क्लियर वाटर है, और बाकी यहाँ पे जितना भी जाएंगे मतलब यहाँ पे मतलब ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, मतलब पीसफुली के लिए गेस्ट अगर आते, क्योंकि बहुत सारा फॉरनर नील पे आके प्रेफर करते हो 1-2 महीने के लिए यहाँ पे रह के जाते हो, ठीक है। तो ऐसा चल रहा है यहाँ पे, मतलब क्या है गेस्ट कोई इश्यूज भी हो जाए, ज़्यादा कहीं जाना भी है तो मतलब हार्डली उसको 5 to 10 मिनट्स ही लगता होगा कोई भी स्पॉट पे, मतलब एक बीच से दूसरे बीच पे जाना हो तो, मतलब ज़्यादा आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। क्या बेस्ट स्पॉट्स है नील पे? नील में सबसे बेस्ट है यहाँ पे नेचुरल ब्रिज जो है, नेचुरल ब्रिज देखने के लिए बहुत ही सुंदर है, सनसेट पॉइंट है, सनसेट बीच जो बहुत बड़ा बीच है, बहुत अच्छा है, और मेन इम्पॉर्टेंट है जो मेरा होटल से 1-2 मिनट वॉक डिस्टेंस है, 300 मीटर है, जो भरतपुर बीच बोल रहे हैं उसमें मेन है कोरल, कोरल है, ग्लास बटम बोट जो है उसमें जो है क्लियरिटी पानी है,
जो उसमें वाटर एक्टिवेस जो अभी है भरतपुर बीच में कर सकते हैं वहाँ पे। तो गेस्ट जो है दिन भर का टाइमिंग जो है भरतपुर बीच में कटा सकता है, इतना अच्छा बीच है वो। और एक बीच जो है आपका सीतापुर बीच, सनराइज पॉइंट है वो, वो भी बहुत अच्छा बीच है जो यहाँ हमारा होटल से 5 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से आपका नेचुरल बीच हमारा होटल से 1-2 किलोमीटर दूर है। एक सनसेट पॉइंट जो है हमारा होटल से 3 किलोमीटर दूर है। और भरतपुर बीच जो है वो हमारे होटल से 300 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस 300 मीटर है। और जेट्टी जो है वो एक 400 मीटर है। हॉस्पिटल जो है हमारा नज़दीक है होटल का, जो आपका बगली में है, 200 मीटर डोस है। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ का ये है। जनरली क्या फीडबैक देते हैं आपको जो भी गेस्ट यहाँ पे ठहरता है, क्या फीडबैक देते हैं? क्योंकि मेरा जो गेस्ट ठहरा हुआ था वो बोला बहुत प्यारा मैनेजमेंट है आपका। एक्चुअली क्या, गेस्ट को पहला तो चाहिए हॉस्पिटैलिटी, जो कि मतलब सर्विस हो जाए, फूड क्वालिटी हो जाए। कि हमारा जो शेफ है, शेफ भी हमारे बॉम्बे से ही आया है। ठीक है, हमारा यहाँ का मतलब वो भी शेफ भी मतलब हम लोग बहुत ही मतलब टेस्टिंग करते हुए ही, मतलब उसका जो इंटरव्यूज होते हुए हमारा जो है होटल मैनेजमेंट से वहाँ पे लिंक है, वहाँ से ही हम विथ फर्स्ट क्लास ही हम लोग वहाँ पे लेके आते हैं। ओके, अभी इतना छोटा सा 15 रूम का प्रॉपर्टी है, बट हमारा जो शेफ का जो सैलरी देखा जाएगा उससे डबल होगा। ठीक है, बट क्यों, हमारे को पहला चाहिए फूड क्वालिटी और वो भी हाइजीन होना चाहिए फूड्स। ओके, जैसा क्वालिटीज हो जाए क्वालिटी, तो गेस्ट को दो ही चीज़ का, एक तो एकोमोडेशन, एकोमोडेशन तो हमारा काफ़ी सुंदर है। मतलब जैसे होटल से रिजॉर्ट ही देखेंगे आप, इंटीरियर ही देखेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। जी, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो आप वो जो ही काफ़ी सुंदर है। और हमारा जो फूडिंग, ये दो चीज़ें, और बस गेस्ट का जो केयरिंग होता है, ये सब तो हम लोग हॉस्पिटैलिटी हम लोग बढ़िया से गेस्ट के साथ अच्छे से इंट्रैक्शन कैसे, मतलब विद अ स्माइलिंग फेस, विद अ पोलाइट वे में ही हमारे सारा स्टाफ ऑलरेडी ट्रेंड है सारा स्टाफ। वो भी वो उसका वे ऑफ टॉकिंग भी वही तरह रहता है कि वो पोलाइट वे में गेस्ट से इंट्रैक्ट करते हैं, तो गेस्ट भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद फीडबैक लेते हैं और कंटिन्यू जब गेस्ट जाता है, जैसे ही वो पहुँचता है वो हमारे को अगेन कॉल करता है कि सर देखिए इस तरह हमारा है, और एक जो मेरे भी कोई भाई है वो भी आना चाहते हैं, बट आप ही का रिजॉर्ट मैनेज, बट हम लोग ऐसा करते हैं, वंस गेस्ट एक बार जाता है, जो गेस्ट आके ठहरा उसके फैमिली जब आता है तो उसको हम लोग फ्लैट 30% के डायरेक्ट डिस्काउंट देते हैं। ओके ओके, जैसे गेस्ट, क्योंकि वो गेस्ट हमारे ही है, रुक के गया है, वो हमारे को और रेफरेंस दे रहा, प्रमोट कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वंस एक फैमिली की तरह उसको लेके चल रहे हैं। वो कभी जब नेक्स्ट बार भी अगर आएगा तो उसको फिर हम लोग 50% का डिस्काउंट ऐसा दे रहे हैं। क्योंकि हमारे पास एक डेटा बेस बना के रखता है कि वंस एक बार गेस्ट अगर आ जाता है तो उसका एक डेटा बेस होता है हमारे पास, वो डेटा बेस को हम लोग फिर नेक्स्ट टाइम में उसको फॉलो करते हैं। जैसे उसका बर्थडेज हो गया तो हम हमारे कोरल गार्डन रिजॉर्ट की तरफ से एक मैसेज जाएगा, एक बेस्ट विशेस जाएगा कि हाँ सर आपका हैप्पी बर्थडे है, क्योंकि हमारे पास पूरा डेटा रहता है, क्योंकि हम लोग उसको ही फॉलो करते हैं कौन से गेस्ट का बर्थडे आ रहा है। ये है एक छोटा छोटा चीज में कि गेस्ट भी थोड़ा खुश हो जाता है। इतना 3 साल पहले मैं गया था वहाँ से मुझे एक मैसेज आ रहा है, 1 साल पहले आया था मुझे, 6 महीना पहले आया था मुझे वहाँ से मैसेज आ रहा है। ओके, तो उसमें एक अट्रैक्शन है, गेस्ट भी खुश हो जाता है, बट हमारे ओके गेस्ट का सेटिस्फेक्शन मोर इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं यहाँ पे? प्रॉब्लम तो वेदर का पीछे, कभी कभी जो यहाँ का वेदर रफ है, बोट कभी नहीं आते, तो हम लोग क्या करते हैं, तो जब बोट नहीं आते गेस्ट को हम लोग वो फैसिलिटी देते हैं, रूम फैसिलिटी हम लोग उनको दे देते हैं। जब वो नहीं जा सकते तो दिन कभी हमारा शिप कैंसिल हो जाते हैं। तो शिप जब कैंसिल होते हैं तो उस गेस्ट को हम लोग दोबारा पैसा भी नहीं लेते, फ्री अकोमोडेशन हम लोग करते। तो ये सब फैसिलिटी हम लोग गेस्ट को देते। मतलब अगर कैंसिल भी हो जाएगा तो बोट मतलब उनको हाँ वो आराम से रुक सकते हैं। उनको क्या है, इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए जैसा नेटवर्क कनेक्टिविटी, देखिए गेस्ट अभी आ रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहा है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे आइसोलेटेड है तो यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी मतलब उतना नहीं दे रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि गेस्ट को भी मतलब मैं वाईफाई वो 4G का स्पीड यूज करके अभी जब 2G पे आता है तो थोड़ा बहुत तो मतलब वो भी फील करता है, बट उसको हम लोग कन्विंस करते हैं नहीं सर या मैडम ऐसा ही होता है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं। और एक जो क्या प्रॉब्लम है जो डोंगी का, देखिए अभी सारा सामान जो भी आना है हमारे को पोर्ट ब्लेयर से आना है, ठीक है, अभी जैसे भी साइक्लोन लगा है तो यहाँ से समझ लीजिए 10 दिन डोंगी बोट नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, एक्चुअली यहाँ पे कभी कभार गेस्ट ये भी बोलते हैं कि नहीं सर यह कॉस्टिंग पोर्ट ब्लेयर से ज़्यादा है, बट गेस्ट को हम लोग फिर समझाते देखिए हमारे को जो भी चीज़ आना है तो हमारे वहीं से यहाँ पे आना पड़ता है पोर्ट ब्लेयर से। तो ये सब छोटा चीज़ है, बट इसमें क्या है कभी कभार गेस्ट भी थोड़ा बहुत हरासमेंट हो जाए साइक्लोन में, जब बोट कैंसिल हो जाता है तो हम लोग एनी हाउ वी हैव टू गिव फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूडिंग, सब कुछ हमारे को देना है। तो सर वेजिटेबल्स के बारे में बताइए यहाँ का। वेजिटेबल्स तो मैं यहाँ का पैदासी हूँ, मेरा फादर भी जो है किसान, मैं किसान का ही बेटा हूँ। तो पहले मैं इस लैंड में जो है वेजिटेबल करता था, तो एक टाइम में इस द्वीप को, नील आइलैंड को टमाटर से जाना जाता था। सबसे ज़्यादा टमाटर यहाँ में ऐसा होता था जो अंडमान निकोबार में कोई जगह नहीं है, सबसे वेजिटेबल एरिया नील आइलैंड ही होता था। तो दो चीज़ से फेमस था,
एक वेजिटेबल्स, एक रसगुल्ला। हाँ, ये दो चीज़ से नील आइलैंड को जाना जाता था। तो आज का डेट में किसान का पास जो है वेजिटेबल्स सबसे रोजगार किसान लोग का इसी से। तो आज उन लोग बेरोजगार इसलिए हुआ जो उनका पास सब्जी करने का कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है, कारण क्या है, यूरिया जो है गवर्नमेंट पहले यूरिया देता था वो बंद हो गया। अभी इस आइलैंड को जो है नील आइलैंड को शाहिद द्वीप को क्या किया, फुल ऑर्गेनिक कर दिया। तो ऑर्गेनिक किया तो एक तो हमारा लिए अच्छा हुआ, जो हम ऑर्गेनिक हम भी खा सकते हैं, टूरिस्ट को भी ऑर्गेनिक मिलता है, तो ये चीज़ जो है। लेकिन किसान तो जहाँ में उनका 10 टोकरी टमाटर होता वो अभी 5 टोकरी टमाटर बना सकते ऑर्गेनिक में, तो बहुत कम, मतलब किसान का भी रोजगार बहुत कम हो गया। तो बहुत ही ख़राब लगता है हम लोग का। तो जिसका पास थोड़ा पैसा है इधर उधर से करके कोई 4 रूम बना के रिसोर्ट चल रहा है, या गवर्नमेंट भी बहुत मदद कर रहा है, अगर लोग हम लोग यहाँ में गवर्नमेंट को मदद चाहता तो बहुत मदद करता, होटल में भी वो लोग रजिस्ट्रेशन का कोई ये नहीं है, लोन वगैरह बहुत अच्छा ही देता हम लोग को जो है, गवर्नमेंट की वजह से ही हम लोग सब कुछ है यहाँ पे। गेस्ट का ना हमेशा एक सवाल होता है, क्योंकि हम लोग भी पैकेज बनाते हैं, बाहर लोग भी बनाते हैं, हमेशा नील जो है हैवलॉक 2 नाइट्स होते हैं, नील आके 1 नाइट होते हैं। आप यहाँ के हैं, आप एग्जैक्टली बता सकते हैं नील को अगर प्रॉपरली घूमना है ना कितना नाइट चाहिए? नहीं एक्चुअली कैसा है, देखिए अभी कैसा है, अगर उसको घूमना है तो उसको 2 नाइट्स काफ़ी है, 2 नाइट्स में घूम सकते हैं। बट क्या है, अगर 1 नाइट इसलिए करते हैं, वो हरी भरी में घूमना पड़ता है उसको। अभी जैसा आज ही इसको पूरा टूर कंप्लीट करना है भरतपुर में, तो वहाँ पे एक टाइमिंग दे देते हैं, हाँ अब 2 घंटे ज़्यादा वहाँ पे नहीं खड़ा होना है। ओके, ठीक है। अभी देखिए गेस्ट 2-3 गेस्ट होते हैं, क्योंकि 4 दिन का पैकेज में तो एनी हो उसको 1 दिन का ही देना पड़ता है। यही गेस्ट अगर मतलब ज़्यादा दिन का पैकेज में आएगा तो एनी हो वी कैन गिव इट 2 डेज ओवर हियर। तो 2 दिन देगा तो क्या हुआ, आराम से फुर्सत से ही वो अपना पूरा जैसा लक्ष्मणपुर बीच जैसा भरतपुर बीच में एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी कर रहे, तो हम लोग टाइम देते हैं कि हाँ इतना इतना घंटा ही रहना है सर, उसके बाद आपको वहाँ से जाना है, ऐसा कैसे बोलते हैं। तो 2 दिन काफ़ी है, बट 1 दिन में भी कर सकते हैं। 1 दिन में क्या है, मतलब उसको एक दो पॉइंट मिस होगा। अगर उसको कम्प्लीटली करना है तो 2 नाइट्स रहने से ज़्यादा बेहतर होगा। तो सर नील एक छोटा सा आइलैंड है, 6 किलोमीटर है अबाउ, और रिजॉर्ट जो है अप्रॉक्स अभी एक 40-45 रिजॉर्ट है मेरा जहाँ तक मेरे को आइडिया है, तो उसका बारे में बताइए सर। फ्यूचर्स में हम लोग और रिजॉर्ट्स देखने मिलेगा, और अभी इसका कुछ आप लोग का कुछ एसोसिएशन कुछ है इसका? नहीं, इसका तो अभी बना नहीं एसोसिएशन रिसोर्ट वाला का, तो हर एक साल में एक एक रिसोर्ट नया नया बन रहा है। तो यहाँ का डेवलप तो हो रहा है रिसोर्ट में भी। तो फ्यूचर में एक देखा जाएगा जो 5 साल में काफ़ी रिसोर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो मैं भी चाहता हूँ जो हर एक आदमी जो ज़मीन सेल ना करके खुद बनाए, एक 4-5 रूम छोटा छोटा रिसोर्ट भी अगर बनाते तो खुद का जमीन भी लैंड भी रह जाते, अपना पैसा भी खुद का पास भी इनकम आ जाते। जमीन बहुत आदमी सारे जमीन बिक्री करके डिस्प्यूट भी है बहुत जन। तो सर आपका काफ़ी साल से इसमें एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप काफ़ी साल से आप कर रहे हो ये जो फील्ड पे, जीएम का रोल आप काफ़ी जगह कर चुके भी हो, ठीक है सर। तो आपको हाउ डू यू हैंडल कस्टमर्स? नहीं एक्चुअली बिकॉज फर्स्ट वी हैव टू हैंडल विद द पोलाइट मैनर। पहला तो हमारा ये होता है कि गेस्ट को पहले कैसे ग्रीट करते हैं हम लोग, ग्रीटिंग जैसे गेस्ट आते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले ही जब हम लोग जस्ट गेस्ट आते हैं तो उनसे मतलब ऐसा इंट्रैक्शन करते हैं, और अपना स्टाफ को भी मैं ये बोला हूँ कि गेस्ट इज यू हैव ए फूट ऑफ ए गेस्ट, यही हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो जब गेस्ट आता है, क्योंकि गेस्ट का भी काफ़ी फीडबैक, जैसा हमारा सर्विस में अगर कोई भी है, सर्विस तो 100% हमारा एकदम ही परफेक्ट सर्विस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इनकेस अगर मतलब गेस्ट को जब सर्विस देते हैं, गेस्ट का भी फीडबैक भी हम लोग लेते हैं सर कैसा लगा, क्योंकि देखिए सारा गेस्ट मतलब 100% नहीं है कि मतलब सारा फीडबैक सही होगा, कोई कोई चीज़ हम लोग भी चेंजेस करना पड़ेगा कि हाँ गेस्ट बोलेंगे नहीं सर ऐसा है तो ऐसा चेंज करने से अच्छा होगा, ये भी मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे सर आपको टोटली ख़राब है, वो बोलेंगे सर ये फीडबैक देखिए हमारा फॉर एग्जांपल जैसे मैं 100 MB का लिमिट रखा हूँ, 100 MB का लिमिट तो कोई भी गेस्ट बोल रहा है सर देखिए 100 MB तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है सर, आप इसको 200 कर दीजिए, तो इस पर क्या है तो हमारे को भी थिंक करना, क्योंकि गेस्ट का सेटिस्फेक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जैसा कोई भी चीज़ जैसे गेस्ट अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ यहाँ पे गेस्ट अगर सेटिस्फाइड नहीं है और मतलब वहाँ से भी अगर बोलते हैं कि नहीं हम नहीं करेगा तो फिर हम वहाँ पे रहना बेकार है, क्योंकि अभी हमारा जो MD मेरा काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी सपोर्ट विद द कॉर्पोरेट, हम लोग समझते हैं कि सर ऐसा है सर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो फिर ठीक है जैसा आपको जैसा लगता है आप उसको मूव फॉरवर्ड करिए, बस यही चल रहा है। बट बाकी तो मैं फीडबैक ऑलरेडी मैं फॉर्म भी फीडबैक फॉर्म ही रूम पे है, रेस्टोरेंट पे भी मैं रखा हूँ फीडबैक, एंड एज वेल एज मैं पर्सनली मैं गेस्ट में मतलब ग्राउंड लेवल पर उतर के मैं पूछ रहा हूँ कि सर कैसा लगा आपको अपना रिजॉर्ट, क्या चीज़ से कमी लगा,
क्या चीज़ का आपको फैसिलिटी इसमें, क्या क्या और एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ मैं, तो क्या गेस्ट का अच्छा बॉन्डिंग भी हो जाता है और अपना सर्विस में भी बढ़िया होता है, रिव्यूज भी मेरा अच्छा आता है। तो सर आपका डिस्काउंट्स के बारे में बताइए सर, आप कितना डिस्काउंट ऑफर करते हो? नहीं डिस्काउंट एक्चुअली देखिए हम लोग जैसा सीजन में, जैसा भी हम ऑफ सीजन में 40% दे रहे हैं, सीजन में 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके मतलब जैसे गेस्ट जैसे एजेंट्स आते हैं तो हम लोग फ्लाइट उसको 20% का डिस्काउंट देते हैं। ओके जो गेस्ट हमारे से मतलब रह के जाता है तो उनको हम लोग 10% एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा प्रीवियस गेस्ट है, वो हमारे रेफरेंस के थ्रू ही वो आ रहा है, तो वही हम लोग उसको 30 और नॉर्मली जो है 20% ही चल रहा है अपना डिस्काउंट। डिफेंस को जो है डिफेंस का लिए मैं 30% डिस्काउंट में दे रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा देश का सैनिक है जी। उनका वजह से हम लोग यहाँ रहते हैं, तो सैनिक को तो वो हमारा जब बॉर्डर में रहते हैं तो उनको तो हमको तो देना चाहिए। तो सर एक आखिरी सवाल आपसे, आप क्या क्या चेंजेस आपका रिजॉर्ट पे फ्यूचर्स पे आप लाना चाहते हो? देखिए मेरा तो सपना ये है, जो अभी हमारा पास 15 रूम है, तो इस बिजनेस से मैं कमा के मैं और एक 50 रूम और बनाना चाहता, 100 रूम का मैं प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, या स्विमिंग पूल का साथ। मैं मेरा एक सपना है, मैं वो जस्ट एक आइलैंडर हिसाब में मैं वो करना चाहता हूँ, जो बाहर से बड़ा बड़ा पार्टी लोग आके करते, तो मैं चाहता हूँ जो मैं जिसमें जो भी मेरा बिजनेस बनेगा वो इस बिजनेस से मैं उनको तो मैं अपना प्रोजेक्ट को बढ़ाऊँगा। सर अगर सिंपल से वे में बुक करना है, जो भी शो देख रहे हैं सिंपल से वे में अगर आपको डायरेक्टली बुक करना है तो आप एक अपना एक नंबर बता सकते हैं शो का माध्यम से, कौन सा नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करें? नहीं एक्चुअली देखिए सर व्हाट्सएप नंबर तो है अपना 9933296 है, ठीक है, वो एयरटेल है, 9531928882 ये भी व्हाट्सएप नंबर ही है। अगर एयरटेल BSNL में अगर डायरेक्टली कॉल नहीं लगता है तो दोनों नंबर पर व्हाट्सएप चल ही रहा है, दोनों नंबर के थ्रू आप लोग डायरेक्टली बुक कर सकते हैं, ठीक है, या तो हमारा तो ऑलरेडी है www.coralgardenresort.com पे, ठीक है, उस पर भी कर सकते हैं। ओके सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। तो गाइस जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ रहे हैं तो शहीद द्वीप जो कि नील आइलैंड का नाम से एक टाइम जाना जाता था, आप यू कम टू दिस प्लेस कोरल गार्डन रिजॉर्ट, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा जो गेस्ट है यहाँ पे मैंने ठहराया है और दे आर 100% हैप्पीली दे लेफ्ट दिस प्लेस, मतलब इतना अच्छा लगा कि मेरे को वीडियो बनाने में मजबूर वो लोग कर दिए। तो गाइस प्लीज़ जो भी नील आइलैंड आता है कोरल गार्डन रिजॉर्ट का नंबर पे कॉल करिए, नहीं तो मेरे को डायरेक्ट कॉल करिए, मैं इनका नंबर दे दूंगा और मेरे थ्रू से करेंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, और नहीं तो इनको डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, और बहुत जल्दी आपको और एक वीडियो के साथ मैं मिलता हूँ, थैंक यू सो मच गाइस। Subscribe to Mumbai Ad Films channel and click the bell icon for latest updates.